कोरोना वायरस के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे लोगों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। ये ट्रेनें पॉइंट टू पॉइंट चलेगी, यानी ट्रेनें बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रेनें सिर्फ दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को गृह राज्यों तक पहुँचाने के लिए शुरू की गई है। इन ट्रेन में आम यात्रियों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। हम आपको श्रमिक स्पेशल ट्रेन से संबंधित हर जानकारी सरल भाषा में बता रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? जयपुर से पटना। राजस्थान से बिहार पटना जाने वाले लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन जयपुर स्टेशन से रवाना होगी और पटना पहुंचेगी। लिंगमपल्ली से हटिया। तेलंगाना में फंसे लोगों के लिए एक ट्रेन तेलंगाना राज्य के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। नासिक से लखनऊ। उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र के नासिक से एक ट्रेन रवाना होगी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। नासिक से भोपाल। महाराष्ट्र के नासिक से ट्रेन रवाना होगी और भोपाल पहुंचेगी। अलुवा से भुवनेश्वर। ओडिशा के लोगों के लिए केरल की कोच्चि के पास स्थित अलुवा से ट्रेन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर तक चलेगी। कोटा से हटिया। राजस्थान में एक ट्रेन और चलेगी, जो कोटा से रवाना होगी और झारखंड के हटिया तक जाएगी। कौन कर सकता है सफर? आपको बता दें कि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति दी है। ये ट्रेनें सिर्फ प्रवासियों के लिए चलाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर समझे, अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं और पटना किसी काम से जाना चाहते हैं, तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन लॉकडाउन के चलते आप राजस्थान में फंसे हैं, तो आप इन ट्रेन में सफर कर सकते हैं। कैसे बुक करें और कैसे मिलेगी ट्रेन? श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर करने के लिए राज्य सरकार लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है। इनमें प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और तीर्थ यात्रियों को शामिल किया गया है। ऐसे लोग स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वहां के नोडल ऑफिसर जो लिस्ट तैयार करेंगे, वो रेलवे को सौंपी जाएगी। स्पेशल ट्रेन केवल उन्हीं लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया है जिन्हें प्रशासन चुनेगा। मान लीजिए कि आप कोटा में फंसे हैं, तो आप वहां के स्थानीय जिला प्रशासन, कलेक्टर आदि के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जहां से ट्रेन चलेगी उस स्टेशन तक पहुंचना है। इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा। ट्रेन टिकट के लिए स्टेशन पर ही व्यवस्था होगी। स्टेशन पहुंचने के बाद क्या होगा? स्टेशन पहुंचने के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद उसमें स्वस्थ पाए जाने के बाद ही ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी। यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इन स्पेशल ट्रेन में 72 के बजाय 54 यात्रियों को बैठने की इजाजत होगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। ट्रेनों में खाना मिलेगा? अगर आपकी यात्रा लंबी है तो आपके लिए ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था होगी। इसके सारे इंतजाम रेलवे करेगा। जिस राज्य से ट्रेन चलेगी, वहीं इन प्रवासियों के खातिर खाना पानी का इंतजाम होगा। इसके लिए स्टेशन पर व्यवस्था की जाएगी। गृह जिले पहुंचने के बाद क्या होगा? ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद यात्रियों की एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगी। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण मिलते हैं तो उसे सीधा क्वारंटीन में जाएगा तो उसे सीधा क्वारंटीन में भेजा जाएगा, और अगर लक्षण नहीं है तो आपको घर जाने की इजाजत होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।